दृश्यम शरीरम, इस पर विचार चल रहा था। योगनिष्ठ पुरुष, इस प्रकार की मोक्ष इच्छा उसके अंदर पैदा होता है। जिस योगी निष्ठ पुरुष के अंदर इस बहेच्छा इच्छा कुमारी कहा था, शक्तितमा कुमारी महद इच्छा है, वो उत्पन्न होता है। उसका समग्र बाह्याभ्यंतरात् दृश्यभूत वस्तु स्व शरीर रूप ही दिखाई देगा। इसी बात को सूत्र से कहा था, दृश्यम यद्य दृश्यम यस्मिन जगति वर्तते, जो जो दृश्य जगत में अनुभूति होता है तद बाह्यम से आभ्यंतर, जो बाह्यो से आभ्यंतर हो वह सब के सत्य समग्रम अपि अहमेव इदम, मैं ही यह सब कुछ हुआ हूं। इस प्रकार से सदाशिव के समान जो है इवो महाप्रकाशापत्या स्वांग कल्पम विश्वम, महाप्रकाश के साथ एकीभूत होकर के स्वांग सदृश संपूर्ण विश्व को वो अनुभव करता है। स्वशक्ति प्रचयस्य विश्वमिति वक्षमाणेन, आगे भी एक सूत्र आने वाला है, स्वशक्ति प्रचयस्य विश्वम। स्वभाव अव्यतिरिक्त परामर्शद स्मृति, परामर्श स्पृष्ट हो रहा है, स्मृत होते रहता है, लेकिन वह स्व शरीर से पृथक रूपेण कभी भी अवलोकन नहीं करता। शरीर भी दृश्यभूत ही है, खुद का वेष्टि शरीर भी उसके लिए दृश्य होते हैं, साथ साथ सारा जगत भी उसके लिए स्व शरीर से अभिन्न दृश्य समान दृश्य ही होता है। ऐसा ही उसके लिए भान होता है, एवमेव भाति न तो अज्ञानीवत, अज्ञानी के साथ उसका दृष्टि दृश्य भेद नहीं होता। दृष्टता रूपेण अदा शरीर अहमभाव रूप से कभी भी वो नहीं देखता, कि व्यष्टि शरीर में अहमभाव से वो कभी भी ग्रहण नहीं करता। उसका अपना एक शरीर अब नहीं रह गया, सारा जगत भी उसका शरीर हो गया। इस महायोगी निष्ठ पुरुष का इस प्रकार का जो बाह्याभ्यन सर्वत्र अनुभव है, उस अनु वसुगुप्त पाद ने अपने स्पंद कारिका में लिखते हैं, यस्मा सर्वमयो जीव सर्वभाव समुद्भवात् तत्संवेदन रूपेण तादात्य प्रतिपत्तितः तेन शब्दार्थ चिंतासु न सावस्था न यः शिवः भोक्तैव भोग्य भावेन सदा सर्वत्र संस्थितः इति वायस संवित्तिः क्रीडात्वेन अखिलं जगत् सपश्यन् सत्तं युक्तो जीवन मुक्तो न संशयः। यस्मा सर्वमयो जीवः, सर्वमय हो गया जीव, जो स्वप्न में आप सर्वसन सर्वम पश्यति, सब कुछ आप ही हुए, आप ही देखने वाला है, सब कुछ आप ही हैं, उसी प्रकार से जागृत काल में भी क्या होता है, वो सर्वमय हो जाता है। सर्वभाव समुद्भवा तत्संवेदन रूपेण, सर्वभाव का कारण होने के कारण, सकल भावों का कारण स्वयं हूं ऐसे उसे निश्चय हो गया। अतएव उस संवेदन से, उस ज्ञान के वजह से तादात्म्य प्रतिपत्तितः, तादात्म्यता को प्राप्त कर गया है वो। ज्ञान और शक्ति प्रभुवतन शुरू में वो ज्ञान रूपता के साथ तादात्म्य हो गया है। तेन शब्दार चिंतासु न सावस्था न यह शिव, जो शिव की अवस्था है वो शब्द अर्थ की चिंतन में कभी भी नहीं टिकता है। भोगदैव भोग्य भावेना सदा सर्वत्र, भोगता ही भोग्य भाव से सर्वदा सर्वत्र अवस्थित रहता है। इति वा यस संवित्ति, ऐसा जिसका ज्ञान है उसलिए क्रीड़ात्विन अखिलं जगत, वो सारा जीव से क्रीड़ा रूपेण भाषित होता है। सपशन सततम मुक्त युक्त, सतत योग में युक्त होकर के वह जीवन मुक्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कहने का तात्पर्य, समस्त वेद्य वस्तु स्वरूप भगवान परमशिव ही स्फटिकवत स्वप्रतिबिंबिता नाम स्वाश्रयाणाम, समस्त वेद्य वस्तुओं का स्वरूप क्या है, भगवान परमशिव ही है, एकमेव अद्वितीय परमशिव ही था, वही सारा ब्रह्मांड भाषित हो रहा है। स्फटिक के समान स्व में प्रतिबिंबित सकल आश्रयों स्वाश्रयाणाम क्वचित परिमित
भूमिकायाम अपि, इन कभी कभी क्या हो रहा है, कदे परिमित भूमिका में, परिच्छिन्न भूमिका में भी बहिरंतर विद्यमानानां पदार्थं सर्वव्यापित्वा, बहिरंतर सर्वत्र विद्यमान व्याप्त वस्तुओं को भी वो अपने ही करके अनुभव भी करने लग जाता है। परिच्छिन्न अवस्था में भी ऐसा अनुभूति हो सकती है, मैं ही ये सब हो सका। तत्संवित प्रकाश स्मृति प्रदानम, उस संवित प्रकाश को स्मृति प्रदान करने वाला वह जो अवस्था है उसकी अनितानुपत्ति के द्वारा सदरूप से जीवन जीवित अवस्था में भी इस अनुभूति को स्वीकार किया जा सकता है, जिसको जीवन मुक्ति कहा करते हैं। इस योगी को इस प्रकार का योग कैसे प्राप्त होता है, तो प्रश्न अगला उठता है कि योगी को इस प्रकार की जो योग है वो कैसे प्राप्त होता है, जिससे अपने इस निज मंदिर में रहते हुए ही सतत स्थिर रहता है, निज स्वरूप में स्थिर रहता है। योगी को स्वहृदय में ही अपने आप का प्रकाशन होते वक्त योग की उपलब्धि होती है। योग के बाहर से उपलब्ध होने वाला नहीं है योग, ये शिव योग जो है, जो आजकल टीवी में था ना शिव योग साधना, वो नहीं लेने का। ये शिव योग जो करें, जो आप जो स्वरूप में स्थित होंगे तभी प्राप्त होने वाला योग है, बाहर किसी से प्राप्त होने वाला नहीं। इसी को गौरीकांत कहते हैं, हृदय चित्त संघट्टात दृश्य स्वाप दर्शनम। हृदय चित्त संघट्टात दृश्य स्वाप दर्शनम, हृदय में, हृदय क्या है, चैतन्य का प्रकाश। या हृदय को मांसपिंड नहीं समझना, या अनाहत चक्र नहीं समझना, यहां इनकी आगम दर्शन का अपना एक अलग संज्ञा है। ये हृदय, हृदय कोई मांस का पिंड नहीं, हार्ट ऑपरेशन कर देते डॉक्टर तो बदल भी देते हैं डॉक्टर, वो हृदय नहीं लेना यहां पर। न तो अनाहत चक्र आदि जो अन्य लोग कहते हैं योग अन्य दर्शन का वर्ग नहीं, यहां हृदय से तात्पर्य है आपका चैतन्य प्रकाश। उसमें आपकी ये चित्त की जो वृत्तियां चल रही है निरंतर लगातार बहिर्मुख होकर के, वह सब उसमें संगठित हो जाए, एक विलय हो जाए उसे। जैसे सारी नदियां समुद्र में विलय हो जाती हैं, आपके सारी वृत्तियां जो हृदय में विलीन हो जाए। इसी हृदय के बारे में चर्चा होती है बृहदारण्यक उपनिषद में। हर प्रश्न का जवाब देते हैं, यदि याज्ञवल्क्य शाकली को बोलते हैं कहाँ है वो, हृदय में प्रतिष्ठित है। कि सारा संसार कहाँ प्रतिष्ठित है, हृदय में, सब को हृदय में प्रतिष्ठित है। वो फिर हृदय कहाँ प्रतिष्ठित है पूछता है शाकली। तो याज्ञ बोलते हैं ज्यादा बकवास मत कर, सारा संसार जिसे प्रतिष्ठित है वो कहाँ प्रतिष्ठित पूछ रहे हैं, तेरे गर्दन कटके गिर जाएगा मर जाएगा तो, फिर वो पूछता है तो गर्दन कटके गिर जाता है। सभा में शाकली मर गया, वो चीज ब्रह्म है, ब्रह्म का दूसरा नाम हृदय दे रही है। हृदय विचार करेंगे देखिए, तो सारा चित्त संघ, चित्त संघट्टा माने चित्त की जो वृत्तियां हैं, चित्त के एकांत एकाग्र हो जाना। जैसे किरणों क्या है, फैलावा किरण है, आप क्या करते हैं एक कांच पकड़ के उसको केंद्रित कर देते सारी घटक, तो क्या करता है वो, फैला हुआ किरण कागज को नहीं जला रहा था, अब इसको संघटित कर दिया तो जला देता है कट से। जिस पर एक कांच के माध्यम से आपने क्या कर दिया, फैले हुए किरणों को संघटित कर दिया। इसी प्रकार आपकी चित्त की वृत्तियां क्या हो रखी हैं, फैली हुई हैं, उनको आप एकाग्रता से ध्यान के माध्यम से धारणा ध्यान के द्वारा एकाग्र कर दीजिएगा, संघटित करना यही है। तब क्या होता है, कहते दृश्य स्वाप दर्शनम। दृश्य क्या है, जागृत और स्वप्न दोनों को दृश्य लेना है, और स्वप्न स्वप्न निद्रा, ये दोनों के दोनों आपके क्या होगा, वह उसका वास्तविक रूप दिखाई देगा। ये तद अभाव रूप, उसके अभाव दिखाई देगा, आपको लगेगा जागृत और सुषुप्ति वास्तव कुछ भी नहीं है, जो कुछ ही था मही था,
मई मैं अनंतरूप में अज्ञान को लेकर क्रीड़ा कर रहा था, लीला कर रहा था, मेरे सेवाए कुछ भी नहीं, बस आप अपने एकाग्र हो, सारे चित्त एकाग्र कर दो, वृत्तियों को एकाग्र कर दो, आपके अंदर प्रकाश जागृत हो जाएगा, आपको लिखेगा मेरे ही प्रकाश से ये सारा दृश्य दिख रहा था, वास्तव में सारा दृश्य कुछ भी नहीं है। वैसे चित्त प्रकाशे चलत चित्तस्य एकाग्र भावना हृदय से नील देह प्राण बुद्ध्यात्मन स्वापस चेतद अभाव रूप से शून्य से दर्शनम यथा वस्तु स्वांग कल्पम भवति। इस चित्त प्रकाश में हृदय में मैंने चैतन्य रूपा प्रकाश में आपके भान होने लगेगा, जब चित्त जो चलत था, फैला हुआ था, बिखरा हुआ था, उसके एकाग्र भावना, एकाग्र की भावना करने से आपके हृदय के अंदर जो दृश्य से नील देह प्राण बुद्ध्यात्मन अनेक प्रकार से आप देख रहे हैं, शरीर धारण किया हुआ है, अनेक प्राण व्यवहार वाला हो रहा है, कोई कमजोर है, कोई मोटा है, कोई तगड़ा है, कोई पतला है, कोई भारी है, कोई कैसा है, अनंत रूप जो दिख रहा है, अनंत बुद्धि, अनंत ज्ञान, अलग अलग सबके पास ज्ञान है, जिससे भी सुनो कुछ नई बात कहने को लग रहा है, ऐसा लगता है ये भी कुछ बोल रहा है, ये भी कुछ नया ही बोल रहा होगा, आदि भाग रहा है, इसीलिए कथाकारों का पीछे, प्रवचनकारों का पीछे इतनी दुकानदारी चल रही है, कब तक चलती है, उनकी भी एक ग्रह है, अच्छा चला चल रहा है, जहां ग्रह बिगड़ जाते उनके घर के लोग आग लगा देते। ऐसे कह रहे निर्मल बाबा, उसी के साले ने, सब ने, बहनोई ने, सब ने केस कर लिया, उसका जीजा ने बोला है, मैंने कितना बार समझाया है साला को, लेकिन जो माना ही नहीं, ढोंग में चला गया, सब झूठ नाटक करता है, अब मौत जब भुगतेगा, खुद जीजा के इंटरव्यू परसों देकर जब टीवी में सुना रहा, जीजा बोल रहा है अपने साल के ढोंग के बारे में, सब झूठा है, इसे बोल आते हैं टीवी में, आप प्रश्न पूछिए इस फोन नंबर पे, हैं आप फोन लगाओगे ना, याद फोन उठेगा ही नहीं उस टाइम में, बीजी बीजी आते रहे झूठे, ऑन कर रखे बगल में बीजी कर रहे, यदि उठा भी देंगे कहेंगे आप 500 रुपये पहले भेज कर रजिस्ट्री कर दीजिए, किस बात का ऑनलाइन क्वेश्चन, फिर ऑनलाइन क्वेश्चन कहाँ हुआ, फिर हम 500 रुपये भेजेंगे, रजिस्ट्री भेजेंगे, रजिस्टर करेंगे, फिर आप प्रश्न भी भेजना पड़ेगा पहले से ही, हमने पहले से प्रश्न डाल ही दिया, और आप तुम तैयार होकर बाद टीम में बैठोगे बोलोगे तो ऑनलाइन क्वेश्चन कहाँ बनाएंगे, झूठा नाटक नहीं, फिर भी मूर्ख लोग लगे, ऐसा दिखाते पूरा स्टेडियम भरा पड़ा हॉल पड़ा, इसी गई ये सब जितनी भी नाटक होता है ये बहिर्मुख अवस्था ढूंढने से फंसता है, अपने अंदर रहने वाली चीज को बाहर खोजने की चेष्टा करना इसे बड़ा बेवकूफी क्या है, और सभी बोल भी रहे फिर भी लोग आपकी कृपा से होगा, अरे उनकी कृपा से क्या, तो अपने खुद पर कृपा नहीं कर रहा, उनकी कृपा अपने आप मिलेगी या हम खुद पर कृपा कर लें, आगे वे गुरु रूपाय आएगा, ये तो उत्तम अधिकारी की बात हो रही है, इसको तो गुरु की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है, ये सर्वोत्तम कोटि का साधक की बात चर्चा चल रहा है, या साधन ही नहीं, यहाँ साधन क्या बताए, इसलिए किसी गुरु के पास जाओ नहीं बोल रहे, गुरु में वो चेत नहीं है, यहाँ बस चित्ते का कर अनुभूति हो जाएगी, सर्वोत्तम अधिकारी की बात है, उद्यमो भैरव पहले आया था, दूसरी साधने उतारे हृदय चित संघट्टात दृश्य स्वाप दर्शनम, अहि कामश विषय से विरक्त, जब तक लेकिन आप विरक्त नहीं होंगे ना तब तक कभी एकाग्र चित हो ही नहीं सकता, जब भी बैठा हुए कोई ना कोई जो कामना का विषय आपका है वो सामने आते रहेगा, आप ध्यान करना चाहते भगवान का इन ध्यान होता किसी न किसी विषय का, क्यों उस विषय की कामना अंदर है ना, उस विषय की कामना है, इसे वो विषय ही सामने आएगा, ध्यान शुरू करेंगे भगवान का ध्यान से, क्यों पहले ओम उच्चारण कर देंगे, कुछ नाम जप करेंगे, कुछ करके बैठेंगे तो कुछ दो चार सेकंड तो दिखेगा, लग रहा है हाँ मेरा ध्यान होने लगा, इतने में झट विषय में चला जाता है, उतनी ध्यान का फल है जिसकी आप संकल्प कर रहे हो, जो तुम चाहते हो उसकी चिंतन चालू हो जाता है, थोड़ी सी ध्यान का फल,
इसे बहुत सावधान रहना पड़ता है। इसे शुरू ही कर रहे कैसे, देखो ऐहिक आमुष्मिक विषय से विरक्त, अति उपरत चित्त, इसलिए कैसा चित्त है, उपरत चित्त वाला ही एकाग्र हो सकता है, अनुपरत चित्त वाला कभी एकाग्र नहीं हो सकता। को हृदय चित्त प्रकाश में एकाग्र करने से, ऐसे चित्त को हृदय, हृदय क्या है, चित्त प्रकाश, चैतन्य प्रकाश रूप में एकाग्र करने से क्या होगा, उन्मेष स्वरूप दृश्यों का एवं निमेष स्वरूप स्वाप का, सविशेष और निर्विशेष दृश्यों का दर्शन में अनुभव स्वांग तुल्य होने लग जाता है। वह अपने ही शरीर के समान सबको चौक दृश्यपण भाषित होने लग जाता है। तुम जिस प्रकार अपने चित्त को दृश्य में नाना वस्तु व्यक्ति में लगाते हो, उसी प्रकार कभी यदि अचानक तुम्हारा चित्त उस हृदय में एक बार भी संघट करें, तो जैसे सुषुप्ति में सारे विश्व का स्वाप हो जाता है, वैसे दृश्य अनर्थ का भी लय हो जाता है। समझाते हुए कर, जिस प्रकार अपने चित्त को हम लोग क्या कर रहे हैं, दृश्य के नाना वस्तुओं में बिखेर दिए, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पुञ्जायते, वहां लगा रखे हैं हम लोग, नाना वस्तुओं में लगा रखे। यदि आप डायरी मेंटेन करने लग जाए, बार बार बोलता हो, साधक को बहुत जरूरी होता है शुरू में, आप सवेरे से उठते हैं शाम तक क्या क्या वृत्ति आ रही है, लिखो वृत्तियों को, लिखते जाओ इतना बजे ये वृत्ति आई, इतना बजे ये, तो बहुत स्ट्रांग आ रहा है, हल्का फुल्का आया कि उसको क्या लिखने, कोई जरूरत नहीं, आया गया पर कोई असर नहीं किया उसने, तो जाने दो, वो दृश्य को लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन जो आया और आप पर असर कर रहा है, कई मिनट आपका बर्बाद कर दिया, उसी वृत्ति में लगे रहे, कोई विषय आ गया हाँ उसी में लगे हैं, वही चिंतन, अगले कोई आके या तो हमें बुलाया, कुछ हुआ, कोई घटना हुई, तब अलग हो जाते हैं, समझो वो खतरनाक वृत्ति हमको फंसा रखा था, उसको लिखो आज इतना बजे अमुक विषय का वृत्ति चलती थी। तो जो जो विषय इस तरह से आ रहा है आपके मन में, जो एक मिनट से ज्यादा देर तक आपका वृत्ति को फंसा रखता है, उन सबको लिखते जाओ, चाहे भक्ति का हो चाहे कुछ भी हो, आप संध्या वंदन कर रहे हैं लेकिन इतना बजे मैं बैठा संध्या वंदन करने, इतना बजे तक संध्या वंदन पूरा हुआ, रोज लिख के देखेंगे ना पता चलेगा, किस दिन तो 15 मिनट में संध्या वंदन खत्म हो रहा, किस दिन में आधे घंटा लग रहा, क्यों ऐसे हुआ भी? मंत्र तो वही बोल रहे हैं, जब तो उतनी ही कर रहे हैं, फिर एक दिन 15 मिनट क्यों लगी, एक दिन आधा घंटा क्यों लग रहा है? या तो जिस दिन कम लगी है उस दिन हड़बड़ फड़फड़ फड़फड़ कर दिए होंगे, है ना, याद हो सकता वो सही टाइम से हुआ, बीच कोई विघ्न नहीं आया, और जब आधा घंटा लगे सर भाग तो बीच में कहीं और भाग गया था मन इधर उधर, तभी आधा घंटा लग रहा है। ये सब पकड़ में तब आता है जब आप लिखोगे और देखो ध्यान दो, फिर उनमें छंटाई होगी, इनमें से कितने सात्विक थे, कितने राजसिक थे, कितने तामसिक थे, और फिर एक भोजन का चार्ट अलग बनेगी, सवेरे से रात तक तुम कितना बजे उठे, उठने के बाद क्या किया, पानी पिया कि बेड कॉफी पी, बेड टी पी, क्या किया आपने वो लिखो, कितना पियो अभी, एक कप आधा कप आधे एक गिलास, अंदाज सब लिखना सवेरे से, तब आपको पता चलेगा क्या मैं खाया आता तो वृत्ति क्या चलता रहा, क्या ही होगा। तब साधक भोजन पर नियंत्रण करेगा तो वृत्ति पर भी, जिन चीजों को खाने के बाद आपको लगता है ये राजसी वृत्ति चली हमें ज्यादा, इसको खाने के बाद, इस चीज को पीने के बाद हमारी वृत्ति तामसिक रही या खाने के बाद तामसिक रही, उन चीजों को जीवन भर के लिए त्याग देने का संकल्प करो, और वो कैसा भी बन के सामने आए उसको नहीं खाए, बढ़िया से बढ़िया बना कोई पला खिलावे तो नहीं, ये चीज खाने से दिमाग खराब होता है हमारा, इसको नहीं खाना है, वर्जित। इस तरह से जो आहार विहार का संयम जो करता है, युक्त आहार विहार, इसको समझना है तभी जाके व्यक्ति साधना में आगे बढ़ता है। वही अगर लगाते हो उसी प्रकार, कभी मान लो यदि अचानक अनेक जन के पुण्य से, गुरुओं की कृपा आदि से, सेवा आदि का फल स्वरूप
अचानक यदि आपका चित्त उस हृदय रूपी चित्त प्रकाश में सच्चिदानंद ब्रह्म में एक क्षण के लिए भी एकाग्र हो जाए, तो जैसे सुषुप्ति में आपके जाने पर क्या हुआ था, सारा संसार आपके लिए विलय हो गया था, उसी पर आपके लिए सारा जगत विलय हो जाएगा। यह अनर्थ पूछा दृश्य है न अनर्थकारी जो दृश्य है, जागृत और स्वप्न जो सुख दुख देता रहा वह आपके लिए सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। अथवा दूसरी भी बात कह रहे, ऊर्ध और अधस्थित शुद्धाशुद्ध अद्वाग्य अवधि रूप में, ऊर्ध और अधस्थित शुद्धाशुद्ध अद्वा, षडद्वा बताया था ना, छह प्रकार के अद्वा होते हैं, पहले बताया था वर्ण पद मंत्र वाक्य, मंत्र को वाक्य को एक ही चीज, वर्ण पद वाक्य या मंत्र एक तो ही थी, दूसरा ये थी तीन स्थूल सूक्ष्म मैंने भुवन को लेकर की कला की है ना, तीन तीन छह अद्वा में ये थी वो कला तत्व और भुवन, कला तत्व और भुवन वो मूर्ति का देश का विभाग है, काल जो क्रिया का विभाग क्या था, वर्ण पद मंत्र था, और देश जो मूर्ति मूर्ति भाव थी उसका कला तत्व और भुवन या पुर ये था, और ये वर्ण मंत्र और वर्ण पद और मंत्र ये शब्द निष्ठ है, और कला तत्व और भुवन ये अर्थ निष्ठ है, ये ध्यान रखना है, ये बात बताया था पहले हमने, उसी को यहां बोल रहे हैं शुद्धा शुद्धत्वा की अवधि रूप में वो मध्यस्थित सुषुप्ति संबंधी आकाश को हृदय कहते हैं। इनके आगम दर्शन हृदय किसको कहते हैं वो बता रहे, देखो ऊर्ध और अधस्थित शुद्धा शुद्ध जो अद्वा शब्द है और अर्थ है, कुछ लोग शब्द को श्रेष्ठ मानते हैं इसलिए ऊर्ध हो गया और अध हो गया अर्थ, कुछ लोग अर्थ को ऊर्ध मानते हैं शब्द को अध मान लेते हैं, जैसा भी मान लिए शब्द निष्ठ जो वर्ण पद और आपका वाक्य मतलब मंत्र कहते हैं, और अर्थनिष्ठ है आपका कला तत्व और भुवन, कला सूक्ष्म है अति सूक्ष्म है तत्व सूक्ष्म है भुवन मने शरीर आदि यह आपका स्थूल है, वर्ण अति सूक्ष्म है पद सूक्ष्म है और आपका मंत्र या वाक्य अत्यंत स्थूल है, ऊर्ध्व और अधनिष्ठ है शुद्ध और अशुद्ध है, जो स्थूल होता है हमेशा अशुद्ध होता ही है, उससे सूक्ष्म थोड़ा शुद्ध होता है या शुद्ध अशुद्ध बीच कोटि का है, और जो मूल कारण है वो अत्यंत शुद्ध होता है, माने कला और वर्ण अत्यंत शुद्ध है, तत्व और पद शुद्ध अशुद्ध है, और अंत में विद्यमान दो भुवन शरीर आदि और आपका जो है वाक्य मंत्र वो आपका अशुद्ध है, ये शुद्ध और अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध ये जो तीन है ये सारे के सारे अद्वाग्य अवधि रूप क्या है, ये सारे के सारे कहां पर निष्ठ है, इनमें से तीन क्या है मूर्त रूप है और तीन क्रिया रूप है, ये दोनों का आधार कौन है देश और काल है, वो देश और काल में कहां परिकल्पित है, जहां परिकल्पित है उसी का नाम हृदय, मध्य सुषुप्ति संबंधी आकाश, जो सुषुप्ति संबंधी आकाश है जिसमें जीव जाके सो जाता है वो जो आकाश है उसी का नाम हृदय है, इसे हृदयाकाश भी बोलते हैं, हार्दाकाश भी बोलते हैं, दहराकाश भी बोलते हैं, अनेक नाम से उपनिषदों में बुलाया गया है, वो हृदय वह जो सौषुप्त व्योम है जिसको यह हृदय शब्द से कहा गया है वही सब भासों का मध्यस्थ है, सकल जो भास हो रहे हैं इनका मध्य में स्थित वही है, यहां पहुंचकर आत्मा का जो समाधान होता है कि अभी तक अनुपलब्ध आत्मा रहा अब सुपलब्ध आत्मा हुआ, यही चित्त का चेतन के साथ संघट है, चित्त का चेतन में संघट होने का मतलब क्या, यह अनुभव होना कि अभी तक जिस आत्मा को मैं अनुपलब्ध समझ रहा था अब मुझे वो उपलब्ध हो गया, ऐसी जो संपलब्धि का अनुभूति है इसी का नाम चित्त का चित्त प्रकाश में संघटित होना, एकाग्र होना और उसके साथ
या उसकी स्वरूप को अनुभव करना। जब चित्त का संगत उस हृदय से हो जाता है तब दृश्य का स्वाप दिखाई देता है। जब दृश्य और स्वाप दोनों दिखाई देता है अतः दृश्य का स्वाप दिखाई देता है, ऐसे व्याख्या करते हैं। दृश्यंच स्वापंच इति दृश्य स्वाप तयोः दर्शनम् इति दृश्य स्वाप दर्शन एक है। अतः दृश्यस्य स्वापम दृश्य का जो वास्तविक स्वाप है कारणभूता विद्या है उसकी असलियत दिखाई देता है दर्शन होता है। षष्ठी तत्व समान दृश्यस्य स्वाप तस्य दर्शनम दो षष्ठी है, पहले में कर्मदार गर्भित षष्ठी था और दूसरे व्युत्पत्ति में षष्ठी गर्भित षष्ठी। दृश्य का जो स्वाप दिखाई देता है अर्थात समग्र विश्व स्वमरीचि कल्प पूर्ण की भूत हो जाता है। जैसे सूर्य का सूर्योदय होते ही सारे किरण बिखर गए और अस्त होते हुए क्या होता है सारा कण उसमें लीन होने के जैसा ही आपको वास्तव में जागृत और स्वप्न सुषुप्ति रूपा जो फैलाव था और सब के सब अपने में ही एकीभूत हो जाना, इसको कहते हैं दृश्य के स्वाप का दर्शन होना। ऐसी दशा में ब्रह्म क्षत्र माने ब्राह्मण जाति क्षत्र जाति घटपट वस्तु सारे चीज आनुषंगिक हो जाता है, बाध होता है निवृत्ति पूर्वक बाधा, इसको कहते हैं बाधानुवृत्ति, बाधानुवृत्ति अनुभव। जैसे कोई एक्टर है एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग करते वक्त भी उसको मालूम है मैं ये नहीं हूं जो एक्टिंग कर रहा हूं, मालूम है मैं राम नहीं हूं, राम की एक्टिंग करना है, एक्टिंग करते उसको मालूम है राम नहीं हूं मैं तो देवदत्त हूं, फिर भी राम की एक्टिंग करने में बहुत कुशल रहेगा, बढ़िया से बढ़िया करेगा, जबकि जानता है मैं राम नहीं देवदत्त हूं। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी होता है, वो जानता है कि मैं ये ब्राह्मण क्षत्रिय आदि नहीं हूं फिर भी इन सब की एक्टिंग बढ़िया कर लेगा, क्यों उसको अपना असली रूप उसको हमेशा याद है, अब भ्रांति में दोबारा पड़ेगा नहीं, पहले भ्रांति में था ब्राह्मण आदि को सत्यता मान रहा था, अब उसको उसका पोल पट्टी खुल गई, अब अपनी सत्यता क्या है मैं आत्मा हूं मैं शिव हूं ये उसकी सत्यता उसके सामने में आ चुका है, सम्यक अनुभूति हो गई है। अतएव जो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि है ये निवृत्त हो जाते बाधित हो जाते हैं, सारा दृश्य जब उसका निरावरण शरीर हो जाता है, सारा दृश्य हो जाएगा उसके लिए आवरण रहित शरीर हो गया, अब तक क्या था अविद्यार्पी आवरण युक्त शरीर था, अब अविद्यार्पी आवरण रहित शरीर रूपेण भाषित होने लगता है। तब उसमें चींटी माटा बिच्छू ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जाति का उसके लिए कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, सब खंडों का बाध होकर के वह अखंड अपने आप को अनुभव करता है। इसे लोग रखते हैं स्वामी अखंड आनंद नाम रख देते हैं, क्योंकि अखंड में रहने वाला यह आनंद रूप अनुभव कर रहा है, अपने अखंड रूपता में रह करके आनंद का अनुभव करता है। कि वहां देहादिगत अहंता नहीं रहती है, देहादिगत वहां अहंता बिल्कुल नहीं रहती है, अतः अनावृत स्वस्वभाव की उपलब्धि हो जाती है, अनावृत स्वस्वभाव की उपलब्धि हो जाती है, जिसके बारे में कहा स एषो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन्नयम् पुरुषो मनोमयो अमृतो हिरण्मयः तैत्र पुरुष देखे हमें वह जो एष अंतर हृदय आकाश है, हृदय के भीतर में अनुभव होता हुआ आकाश है, उसी में यह पुरुष जो मनोमय कहा गया पहले अन्य रूप से कहा गया वही अमर भाव वही हिरण्य रूपा वह चैतन्य रूपा इसके अंदर अनुभूति में आता है। गीता में भी कहता है पांचवा अध्याय 24वें श्लोक में यो अंतर्मुखो अंतरारामस तथा अंतर ज्योतिरेव स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति, पांचवा अध्याय में ना 24वां श्लोक। यो अंतर्मुखो बहिर्मुखता को छोड़ करके अंतर्मुख हो गया, यो अंतर्मुखो अंतर आराम भीतर में ही रमण करने वाला समंता रमण करने वाला बाह्य विषयों में रमण नहीं करता अब अपने स्वरूप में रमण करने वाला आत्मक्रीड़ा आत्मरति ही इति श्रुति भी कहती है
तथा अंतर्ज्योतिरेवया, अब उसके लिए बाह्य प्रकाश की अपेक्षा ही नहीं रह गई, अंतर्ज्योति रह गया है। ऐसा जो योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूत अधिगच्छति, ब्रह्म में निर्वासित हो जाने के कारण से वह ब्रह्मभूत होकर के ब्रह्म ही भाव को प्राप्त कर जाता है, ऐसा स्मृति भी करती है। इसलिए श्रुति स्मृतियों में जो कावा बात को यहाँ सूत्र के माध्यम से प्रकाशित किया है, येष प्रमाता माया अंधा, वार्तिककार कहते हैं येष प्रमाता माया अंधा, संसारी कर्म बंधन विद्या विद्यापितैश्वर्य चिद्घनो मुक्त उच्यते। किसको संसारी कहते हैं और किसको मुक्त कहते हैं? कहते ये जो प्रमाता माया से अपने आप को अंधा बना लिया है वही संसारी है, कर्मों से बंधा हुआ है। येष प्रमाता माया अंधा संसारी कर्म बंधन, और वही व्यक्ति कर्म के बंधन को तोड़कर माया का वजह से उत्पन्न अंधता को निवृत्त कर लेता है ज्ञान के द्वारा। विद्या अभिज्ञापित ऐश्वर्य, विद्या विद्या के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप ऐश्वर्य का बोध जब करा दिया जाता है वह अपने आप का अनुभव क्या करता है? चिदघन, वही तब मुक्त उच्चत है, उसको मुक्त कहा जाता है। स्पंदकारिका का ये स्वापकारस्य मोहस्य हानावत्रज दर्शनम, यह दर्शन क्या है? स्वापकारस्य मोहस्य, स्वाप का कारणभूत जो मोह है इस मोह का हानि होना ही यहां दर्शन है। इंद्रियों के द्वारा विषय दर्शन को यहां दर्शन सबसे नहीं कह रहे हैं, किंतु स्वाप कारणभूत जो मोह है, अविद्या है, अज्ञान है, उसी का हानि हो जाना, उसका नाश हो जाने का नाम ही यहां दर्शन सबसे, दृश्य स्वाप दर्शनम ये कहा गया है।